अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूँ असगर अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊँगा कि HP के कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है तो किस तरह करेंगे, उसका सारा सेटअप, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। USB मेरे पास है, इसके साथ हम इसमें बूटेबल मैंने बनाई हुई है, तो इसके साथ हम विंडो करेंगे विंडोज 7। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बनी बेल घंटी को भी दबा दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरे पास ये HP का कंप्यूटर है तो इसकी जो बूट की है वो F9 है। हमने F9 प्रेस करना है। ये देखें, हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमने F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने से हमारा जो है बूट सेटिंग आ जाएगी। तो हमने यहाँ से USB को बूट करना है। ओके एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो हमारी जो है इसमें विंडोज 7 जो लेटेस्ट वर्जन है वो चल चुका है। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। HP के जितने भी मॉडल हैं तो वो F9 से बूट करते हैं। USB होगी या DVD होगी, उस जो बूटिंग ऑप्शन है उसका वो F9 है। ये देखें, ये विंडो सेटअप आ गया है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, हमने नेक्स्ट करना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ, इसको ओके करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे 64 बिट के विंडोज 7 होम, बेसिक, प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अल्टीमेट। हमने जो है प्रोफेशनल करनी है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करना है, ओके करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमने कस्टम में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, फर्स्ट ड्राइव जो है उस पे हमने विंडो करनी है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसको हम न्यू करेंगे, अप्लाई, ओके। दोस्तों ये जो फर्स्ट वाली जो सिस्टम रिजर्व कर रहा है, ये इसको हमने डिलीट कर देना है। और ये जो है हमारी, इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। ये हमारा जो है इंस्टॉलिंग विंडो स्टेटस, ये विंडो कॉपिंग फाइल, ये अभी 100 तक ये होगा, उसके बाद जाके आगे ऑप्शन आएगा। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों जो कॉपी का अमल था, वो प्रोसेस जो था वो पूरा हो चुका है। अब ये देखें, स्टार्टिंग विंडो आगे लिखा हुआ आ रहा है।
जैसे ही दोस्तों ये देखें, अभी पहले जो थी वो पिक्चर यानी कि ज़्यादा थी, बड़ी थी, अभी देखें ये स्मॉल हो गई है। यानी कि इसके जो ग्राफिक वाले ड्राइवर थे वो यानी कि इंस्टॉल हो गए हैं। अगर इंस्टॉल ना होते तो वो पिक्चर वैसी खड़ी रहती। दोस्तों यहाँ पे देखें, यूज़र नेम, हमने यूज़र नेम देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड नहीं देना हमने, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमने टाइम जोन देनी है, इस्लामाबाद की राजी, नेक्स्ट। ये देखें इंस्टॉलिंग विंडो लोडर, यानी कि ये जो विंडो है ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई है। हमारी विंडो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बस ये रिस्टार्ट होगा, उसके बाद ये कंप्लीट है। Windows 7 पे तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाते हैं मुकम्मल जो सेटअप है इंस्टॉल करने में। दोस्तों हमारी विंडो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी मालूमात होगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी विंडो कंप्लीट हो चुकी है, हम अब इसके डेस्कटॉप जो आइकॉन है वो हम ओके कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। ये देखें दोस्तों विंडो 7 प्रोफेशनल हो गई है, और ये देखें नीचे विंडो इज़ एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड भी है।
ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Thank you.